बार फिर कोरोना के केसेस बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत में बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। आज 16 मार्च को एक दिन में 25,000 से ज्यादा केस देखने को मिला है, जिसमें एक अकेला महाराष्ट्र जहां 1700 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल 15 मार्च तक कोरोना के 26 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें औरंगाबाद जिला से एक, भागलपुर से एक, भोजपुर से दो, दरभंगा से एक, चंपारण से एक, गया से एक, मधेपुरा से एक, मधुबनी से एक, मुंगेर से दो, समस्तीपुर से एक, सुपौल से एक और सबसे ज्यादा मामला बिहार की राजधानी पटना से है, जहां 13 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार के दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करवाना सभी जिले के पदाधिकारियों के लिए जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने होली त्योहार के दृष्टिगत कॉमेडी नानी के प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी एयरपोर्ट पे महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्य से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से रैंडमली जांच की जाएगी और बिहार के सभी जिलों में पंचायत के भारी संख्या में अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों की माइकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जाँच ही अपील की जाएगी तथा जाँच हेतु सैंपल लेने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसके अलावा होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजन नहीं किया जाएगा, इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थल एवं यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग हेतु निगित आदेश सख्ती से लागू करवाया जाएगा। देश में विगत वर्ष के तहत अगर इस वर्ष भी कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन लगता है तो स्थिति बहुत ही जल्द दयनीय हो जाएगी। इस बात का ख्याल आप सभी भारत के देशवासियों को रखना होगा।